यहाँ पे हमारा ओपन तंदूर हो रहा है रेडी, और ये हमारा चूल्हा भी हो चुका है तैयार, अंगारे इसमें बन चुके हैं। तो आज के हमारी जो दो डिश हैं, पहला ये ग्रिल चिकन, ठीक है, जो केवल हमने पीछे के पाए से बनाया, और ये हमारा खड्डा चिकन। कुछ आपको गोवा वाली फीलिंग आ रही होगी ना यहाँ पे। नमस्कार साथियों, तो दिन के लगभग बज रहे हैं 2:30 और होली हो चुकी है पूरी, और अब जा रहा हूँ मैं कहीं, आपको ले चलता हूँ, बनी रही मेरे साथ। एक साथी और है मेरे साथ जो मुझे थोड़ा आगे मिलेगा, और फिर चलते हैं आज के सफ़र में। तो अब हम पहुँच चुके हैं उस जगह जहाँ से हम निकलेंगे पैदल पैदल ऊपर नदी किनारे। और ये नदी कौन सी है? ये तो वो है सर, खो नदी। खो नदी, ये खो नदी है जिसमें हम आप जाएंगे। तो ये एरिया राजाजी नेशनल पार्क में आता है। एक मेरे साथ है अमिताभ, और एक उसका बड़ी, इसका नाम है बड़ी। और यहाँ तक हम बाइक से आए, इसके आगे रास्ता है, लेकिन ये आम रास्ता नहीं है, ये केवल डिपार्टमेंट वालों के लिए है। तो इससे आगे हम चलेंगे पैदल। पीछे पूरा ये एरिया आप देख सकते हैं, पूरा जंगलात का ही एरिया है, और ये आता है राजा जी नेशनल पार्क में। तो यहाँ पे कुछ लोग इंजॉय करते हैं पीछे, ठीक है, इंजॉय करना चाहिए, और उतना ही इंजॉय करें जो कि और लोग आपसे इंजॉय ना करें, क्योंकि कुछ लोग हमने देखे लेट लेट के जा रहे हैं, ठीक है। तो होली मनाएं, त्यौहार में तभी मज़ा है जब आप एक लिमिट तक सीमित रहें। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ आपको पता है। ये कुछ और भाई लोग, हैप्पी होली, होली मनाते हैं। कुछ लोग आगे नहा रहे हैं, क्योंकि एक नहर आ रही नीचे, तो इसमें लोग होली मनाने के बाद नहाने के लिए आते हैं। अच्छी चीज़ है, घूमने का घूमना हो जाता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, ये मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे सब जगह पॉलीथीन और अन्य डिस्पोजल जो सामग्री है वो गिरी पड़ी है। जब भी आप नदी किनारे कभी जाएँ या किसी नहर के किनारे जाएँ, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि उन बर्तनों को ही ले जाएं जो सॉलिड हैं, मतलब स्टील और अन्य जो कोई बर्तन है, डिस्पोजल सामग्री ना ले जाएं, और अगर ले जाएं तो उसको वापस अपने साथ लाएं या ठिकाने लगाएं अच्छी तरीके से। फिसलना मत। तो नदी लगभग 500 मीटर और दूर होगी, लगभग 1 किलोमीटर तो हम आ गए, और लोगों ने ना थोड़ा अंदर भी गाड़ी ला रखी है। हमने मेन रोड पे गाड़ी छोड़ दी थी, ठीक है, जंगल में छोड़ना ठीक नहीं था ना गाड़ी। हाँ, जंगल में हर चीज़ को डिस्टर्ब होता है ना, जंगली जानवर हैं, और मेनली तो ये जगह जंगली जानवरों के लिए रखी गई है। हमने तो पूरे शहर के शहर कब्जा कर रखे हैं, थोड़ी सी जगह तो जंगली जानवरों की होनी चाहिए। बड़ी को लग गई है गर्मी। बड़ी चलो 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 चलो, अब आ चुके हम नदी के किनारे पे, और पानी इस पे बहुत कम है। एक छोटा सा पुराना स्कूटर वहाँ पे खड़ा है चेतक का, और कुछ उधर से भी लोग आए हुए हैं शायद इसमें ऊपर, उधर कुछ गाड़ियाँ दिख रही हैं हमें। थोड़ा सा पानी ये चल रहा है किनारे किनारे, और इतना ही, इससे भी बहुत कम पानी उधर चल रहा है, तो पानी इस पे बहुत कम है। हाथी इधर आते हैं शायद पानी पीने के लिए। ये एरिया ज़्यादा ना ऊंचा नहीं है,
और ये वही रेंज है जो इधर इधर किनारे किनारे कॉर्बेट पे मिल जाती है, और इधर की साइड ये लाल डांग वाले क्षेत्र में मिल जाता है, और ये बीच की घाटी है। तो इस पे जंगली जानवरों का चलना बहुत होगा, क्योंकि इसके और लगभग दूसरी नदी के बीच में 5 किलोमीटर का फासला होगा, और इस बीच में पूरा जंगल है जिसको हम राजा जी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। ढूंढते कोई छायादार जगह। तो काफ़ी देर चलने के बाद हमें थोड़ी सी दूर पर एक जगह मिली है, उधर आप आगे देख सकते हैं, उधर शायद हमें थोड़ी सी छांव मिलेगी, और वहाँ पे हम शुरू करेंगे आज की कुकिंग। वो आपके लिए एक सरप्राइज है कि क्या होगा, बनिए रहिए हमारे साथ। को मैं कुछ दिखाता हूँ, ये जो आप निशान देख रहे हैं जगह जगह बड़े बड़े, ये हैं हाथी पाँव के निशान। कहीं कहीं पे आप चप्पलों के निशान देख रहे होंगे, लेकिन ये जो बड़ा वाला जो एक गोला है, ये है हाथी का पाँव, क्योंकि पीछे हाथी का गोबर हमें जगह जगह मिला है, तो ये हाथी का ही पाँव है जो ये आपको दिख रहा है। इस वाली घाटी में हाथी बहुत मिलते हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये राजा जी नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और राजा जी नेशनल पार्क जो है वो हाथियों के लिए ही फेमस है। इस टाइप के कुछ गोलाकार निशान बने हुए ना, ये आगे भी आप देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो ये हैं हाथी पाँव के निशान। बड़ी इधर चलो। ये वाला क्षेत्र है जहाँ पे हम अभी कुकिंग करेंगे, और अभी मैं ले लेता हूँ कुछ लकड़ियाँ, बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, लकड़ी की कोई कमी है नहीं यहाँ। तो जंगल के नज़दीक कुकिंग करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको लकड़ियाँ आसानी से मिल जाती हैं। उधर अमिताभ भी लकड़ियाँ कर रहा है, तो लकड़ियाँ समेटता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ उस जगह पे। पीछे बड़ी मस्ती करता हुआ बहुत खुश हो रखा बड़ी। मुझे मिली है 2 Y-shaped की लकड़ियाँ, और इनका मैं यूज़ करूँगा कुकिंग में। तो फिलहाल अमिताभ ला रहा लकड़ियाँ, और मैं लगाता हूँ चूल्हा। तो ये बना दिया है हमने एक पत्थरों का गड्ढा, और साइड साइड में मैंने इसके लगा दी है गीली रेत जो कि इंसुलेटर का काम करेगी और हीट को बाहर नहीं जाने देगी। अंदर में जलाऊंगा इसमें आग, फिर इसमें हम डालेंगे तैयार किए गए चिकन को, और फिर इसको ऊपर से हम ढक देंगे। तो ये है हमारी पहली रेसिपी, और उसके बाद दूसरी रेसिपी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये हमारा चूल्हा हो गया है तैयार, इसमें अब जलाते हैं हम आग, और उसके बाद करते हैं चिकन की तैयारी। तो हमारे पास था एक ये पूरा चिकन, और 1 किलो का ये है, तो आधा किलो ये समझो। इसको हम डालेंगे जो हमने अभी चूल्हा तैयार किया, और इसको हम बनाएंगे तंदूरी टाइप में, लेकिन कुछ डिफरेंट होगा, उस टाइप का नहीं जो हम मार्केट से लेते हैं।
लकड़ियाँ हटा के हम थोड़ी देर में अब चिकन डालेंगे। और इधर कर रहा हूँ मैं तैयार एक ग्रिल सेट, और ये एक नेचुरल ग्रिल, जिसके लिए मैंने दो लकड़ियाँ जो मैंने पहले बताई थी एक इधर लगाई है, एक इधर लगाई है, और इसके बीच में लगेगा ये, थोड़ा नज़दीक लगाना पड़ेगा ऐसे, और ये घुमाने के लिए, और इसका हम घुमाएंगे क्योंकि लकड़ियाँ बहुत नीचे हैं तो शायद ये लकड़ी बच जाए, ऐसा हम कामना कर रहे हैं कि ये लकड़ी बच जाएगी। अगर ये फेल हुआ तो हमारे पास कुछ दूसरा मेथड नहीं है, फिर हमें उसी चूल्हे में तंदूर के टाइप से उसको पकाना पड़ेगा। फिलहाल जो सोचा है हमने, तो हम यहाँ पे जला रहे हैं लकड़ियाँ ताकि थोड़े अंगारे हो जाएँ, उसके बाद हम इस लकड़ी को रखेंगे और इसमें चिकन हम लगाएंगे, जो दो लेग पीस हमने उसमें रखे हुए थे उसको हम इसमें पकाएंगे। और उधर हमारा ये चूल्हा तो बुला रहा है मुर्गी को, यहाँ पे हमारा ओपन तंदूर हो रहा है रेडी, और ये हमारा चूल्हा भी हो चुका है तैयार, अंगारे इसमें बन चुके हैं, और अमिताभ उधर से कुछ लकड़ियाँ ला रहा है, उधर अब दिख रहा होगा आपको, और बड़ी बड़ी हमारा उधर घूम रहा। इधर ना हाथियों का डर बहुत है, और शाम के टाइम पे हाथी बहुत आते हैं, तो इसको हमने ठीक किया कि अपने साथ ले आए, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कहीं आसपास हाथी तो नहीं है। चिकन हमने थोड़ी देर फ्रिज में रखा हुआ था मैरिनेट होने के लिए, अब इसको निकाल रहे हैं हम बाहर। -22 डिग्री सेंटीग्रेड पे बड़ी है ना, बड़ी की नजर लगी इस पे। चोर इसमें हम करते हैं, थोड़ा जगह बनाते हैं, खरोड़ी खरोड़ी थोड़ा अंगारे साइड में करते हैं, जगह बनाते हैं, और इसको रखते हैं हम इसमें इस टाइप से। चलेगा? नहीं, इसको करना सील पैक है, इसको कर देना सील पैक ताकि इसकी गर्मी बाहर ना आए, और मिट्टी इसके ऊपर पत्थर नहीं रखा ये, ऐसे कर दो पैक ताकि धुआं भी बाहर निकले, और इसको हम कर देते हैं किनारे किनारे से, हम खोल के बीच में पलट लेंगे क्योंकि ऊपर से ये मुझे लग रहा है थोड़ा ठंडा हो जाएगा। गीली दो, ये हमारा हो गया चूल्हा पैक, इसके ऊपर हम थोड़ी सी आग जला देंगे, चाहे तो आप अंगारे ज़्यादा करके चिकन अंदर डाल करके उसके ऊपर अंगारे रख करके फिर भी पैक कर सकते हैं, तो हमारे पास तो लकड़ी की कमी है नहीं, तो हम इस क्या करेंगे इसके ऊपर आग जलाएंगे जिससे ऊपर से भी अच्छी तरह पक जाएगा। करते हुए अभी ना इस पर धुआं ज़्यादा निकल रहा है, हमारे पास जो था लेग पीस उसको हम दो टुकड़ों में तोड़ लेंगे और हम हल्के ही रखेंगे क्योंकि हमारे पास जल जाते हैं, इसमें नमक अलग से भी ला रखे हो ना, अलग से नहीं है ये। ग्रिल के ऊपर एप्पल की खिचड़ी और क्योंकि ये आग बहुत गर्म हो गई है तो हम दूर से हम ऐसे करके इसको घुमाएंगे, चारों तरफ से ग्रिल कर सकते हैं ये। अच्छा, अपने दर्शकों को बीरबल की खिचड़ी की कहानी तो सुना दो। तो बीरबल की खिचड़ी आपको पता होगी कि उसमें क्या होता है कि बहुत लंबा डंडा होता है और उस पर बीरबल ने एक मटकी बांधी रहती है और नीचे से उस पर आग जलती रहती है, ठीक है, तो उसको बेसिकली हम बोलते हैं बीरबल की खिचड़ी। तो अकबर का कुछ किस्सा है, वो बहुत लंबा किस्सा है, उसको कभी सुनाएंगे आपको, फिलहाल आप इस पर ध्यान दीजिए, तो इसको हम चारों तरफ से घुमाते रहेंगे जिससे ये
चारों तरफ पकता रहेगा, क्योंकि लकड़ी गोल नहीं है, ये हल्की हल्की चपटी है, तो ये चिकन इसी के साथ घूमेगा। नहीं तो क्या होता है कि गोल सीख में अगर आप सीख को घुमाते हैं तो सीख तो घूमती है लेकिन चिकन उसके साथ नहीं घूमता। शाम होती है धीरे धीरे। अमिताभ भी कुछ क्रिएटिविटी दिखाता हुआ सिल्वर को एज ए फुकनी इस्तेमाल करता हुआ। और जंगल में आपको यही करना पड़ता है जब आप सर्वाइव में कहीं होते हैं या बहुत ही कम सामान के साथ चलते हैं, तो कम से कम सामान का किस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनका किस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप सीखते हैं जब आप आउटडोर में कैंपिंग करते हैं या कुकिंग करते हैं। इतनी को थोड़ा थोड़ा ये चिकन हड्डी छोड़ने लग गया है, तो थोड़ा थोड़ा ये पकना शुरू हो गया है। तब तक करते हैं कुछ सलाद की तैयारी, चल रहा हो। ये हमारा तंदूरी चिकन हो चुका है रेडी, इसको हम निकालते हैं। लगभग 20 मिनट इसको लगे और पूरा जूस इसने छोड़ दिया है, तो ये पहचान है कि ये पक चुका है, ये आप देख सकते हैं ये, ठीक है। अरे बढ़िया, और जूसी और टेंडर पक चुका है। तो एक तेरा एक मेरा दो अनबॉक्सिंग, चलिए शुरू करते हैं। देखिए गर्मी तो काफ़ी बनी हुई है, देखते हैं कितना ये पका होगा। गरम होगा, निकालोगे? हम निकाल लेंगे बाहर, पत्ते से पकड़ के निकालो। छोड़ दो, इसने भी दिया है पानी, पक तो ये चुका है साहब। खुशबू भी बड़ी सॉलिड आ रही है, ये छोड़ दिए हड्डी, और अगर खुशबू सुन सकते तो पता चलता प्लेट में। गजब, जो भी आपने कूड़ा यहाँ किया है जंगल में उसको दोबारा से पन्नी में डाल करके कूड़ेदान में हम डालेंगे, यहाँ इसको नहीं छोड़ेंगे कुछ समझदार लोगों की तरह। तो अब इसको कर देते हैं थोड़ा मक्खन से मैरिनेट स्वाद के लिए, जो हमने गलाने हुए रखा हुआ था वहाँ पे। तो ये भी गल चुका है मक्खन, और इससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस मक्खन को हम थोड़ा इस पर अप्लाई कर देते हैं। तो आज की हमारी जो दो डिश हैं, पहला ये ग्रिल चिकन, ठीक है, जो केवल हमने पीछे के पाए से बनाया, और ये हमारा खड्डा चिकन। इसमें आप देख सकते हैं कि इसका थोड़ा सा भी जो जूस है वो वेस्ट नहीं हुआ है, जबकि जो ग्रिल चिकन होता है उसमें सारा जूस वेस्ट हो जाता है। तो दोनों प्रकार के चिकन आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ। अगर देखो इसको मैं अलग करके देखूँ तो ये आपको खुद लग रहा होगा कि हड्डी तो इसने छोड़ दी है, तो बहुत ज़्यादा ना तो ये कच्चा है और ना ही ओवर कुक हुआ है, जिससे कि इसका स्वाद बिगड़ जाए। बिल्कुल सही जो बनना चाहिए चिकन उस टाइप का है। तो हमारे पास दोनों टाइप के फ्लेवर हैं, दोनों को हम ट्राई करेंगे। तो पहले मैं कहूँगा अमिताभ से कि वो उसको ट्राई करे और देखे कि इसका स्वाद कैसा आ रहा है। बढ़िया, लग रहा था जूस निकल रहा, लेकिन है जूस ही है। और ये है कुछ, ये है दूसरा वाला जो हमने खड्डे में बनाया था। खड्डे वाला थोड़ा स्टेबल जगह पे है, नहीं अटका हुआ। बढ़िया, ये इसका अलग ही स्वाद है। तो भाई तो पता नहीं कैसे मैं बता रहा होगा तो मैं इसको ट्राई करता हूँ। अच्छे वाली उसमें ही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ ये जो हमने खड्डे में बनाया था, क्योंकि ये सीधा डायरेक्ट आग में नहीं बनाया हुआ है। ये आपने देखा था कि हमने पहले आग जलाई थी, फिर उसके अंगारों में हमने खड्डे के अंदर मिट्टी से ढक करके इसको बनाया था। और इसको अगर मैं ट्राई करूँ, पहले मैं केवल इसका स्वाद लेता हूँ।
एक रॉ चिकन जैसा होना चाहिए, उसी प्रकार का है। इसमें ज़्यादा कुछ हमने फ्लेयर ऐड किए नहीं थे, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है। और इसको आप जिस भी चटनी के साथ खाएंगे ये उसका स्वाद ले लेगा। और इसको ज़्यादा खींचने के लिए परेशानी भी नहीं हो रही ऐसी। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा नींबू। बढ़िया भाई, बढ़िया। ये तो मैं चार चिकन खा जाऊंगा ऐसे 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 बन के मिली है मुझे। तो भाई कह रहा है कि मैं ऐसे चार चिकन खा लूँगा अगर ऐसा बन गया तो, ऐसा मिल गया मैं बाजार में बना हुआ। एक्चुअली बाजार में ऐसा बनता नहीं है, ये खड्डे वाला चिकन तो बनता ही नहीं बाजार में। मटके में कुछ लोग बनाते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा मसाले उसमें होते हैं और इतना ज़्यादा तेल होता है कि वो सेहत के लिए भी नुकसानदायक होता है। अगर आप ऐसा वाला चिकन खाते हैं तो, जो खासकर जो हेल्दी डाइट लेने वाले जो लोग हैं उनके लिए इस टाइप का चिकन बहुत अच्छा है। और ये घर में आप बना सकते हैं इसको, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं कि आपको जंगल में ही आना पड़ेगा उसको बनाने के लिए। घर में आप थोड़ा सा खड्डा आपको चाहिए, मिट्टी चाहिए, गमले में मिट्टी डाल करके आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। इसका जूस वेस्ट नहीं होना चाहिए बस। अगर इसका जूस चला गया तो फिर ये इसका फ्लेवर कुछ रुई जैसा हो जाएगा, जैसे चप्पल खाते हैं ना रबड़ वाली। जैसे आप होटल में देखते होंगे कि जब आप खाते तो ऐसा लगता है महीनों पुराना चिकन हो, तो जूस ना होने से चिकन में उसका फ्लेवर ही चेंज हो जाता है। मैं तो वैसे भी हेल्दी फूड को काफ़ी प्रेफर करता हूँ, हालांकि फास्ट फूड भी मैं खाता हूँ, लेकिन हम उन लोगों में से हैं जो फास्ट फूड खाने के बाद भी आठ रोटी खाते हैं, ठीक है। और हमारी जो मैगी होती है उसमें कम से कम 6 अंडे होते हैं, मटर होते हैं, टमाटर, प्याज, सब कुछ जितने प्रकार की सब्जियां होती है सब हमारी मैगी में होती हैं। तो हम थोड़ा मैगी में सब्जी नहीं, सब्जी में मैगी डालते हैं। ये क्या है? ओ अच्छा, नींबू चाहिए और आपको? तो ये चिकन था जो ये था 1 किलो 400 ग्राम, और तो लगभग 600 ग्राम मिल गया होगा बड़ी को आज। तो आज की कुकिंग हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अब हमने बैग कर लिया पैक और चलते हैं वापस घर की तरफ को, उसी रास्ते से जिस रास्ते में होकर के आया था। चलो बड़ी गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। पानी वानी रहा होगा? ये देखो दोस्तों, ये पानी से बह के आया होगा ना नदी के साथ, हो सकता है। ये है नल, आपको सुनाता हूँ मैं। रेत भर रखी इसके अंदर पूरी, इसके अंदर रेत है, ये पूरा दबा हुआ है इसमें। ये हमारे कुछ भाई लोग यहाँ पे सैंड थेरेपी करते हुए, ये डॉगी अच्छा है ब्लैक, ये देखो प्योर ब्लैक। कुछ आपको गोवा वाली फीलिंग आ रही होगी ना यहाँ पे। तो अब हम निकल चुके हैं घर की तरफ। हमारा बड़ी आज पूरा पेट फुल करके आ रहा है अभी। कुछ लोग पीछे
खाना वाना खा के लेटे हुए हैं बीच पे और हम निकल चुके हैं घर की तरफ। आशा करता हूँ कि आपको आज की ये छोटी सी जो ट्रिप थी हमारी अच्छी लगी होगी। मेरे साथ ये अमिताभ भाई बहुत समय कुछ और वीडियो में भी आपको दिख सकता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। ये हमारे छोटा सा बड़ी और ये है नदी, ये है हम और हमारी पार्टी हो चुकी है। यहाँ पे आप देखिए बड़ा सुंदर सा पेड़। ये तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। हेलो बोलो। बड़ी